G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 17वां G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत एक वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। कौन होंगे अतिथि देश? भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का गठन करेंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेगी। ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश जैसे इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है। क्या है G20 समूह? G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्य आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करना है। साथ ही G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और विश्व व्यापार का 75% शामिल है। कौन कौन है सदस्य देश? G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। कौन करता है G20 की अध्यक्षता? G20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच चक्रीय रूप से प्रदान की जाती है और अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्षता धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रोइका बनाता है। इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी ट्रोइका देश हैं और इंडोनेशिया के पास वर्तमान अध्यक्ष पद है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।